एकोंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर पॉलीगन। सो इन दिस क्वेश्चन अ डायग्राम इज गिवन टू यू। आपको बोला है AEDCB इज अ डायग्राम। ये आपको क्वेश्चन में डायग्राम दे रखी हुई है एंड ये आपको इसकी डायमेंशंस आर बीइंग गिवन टू यू। दीज डायमेंशंस आर बीइंग गिवन टू यू एंड फॉर योर हेल्प आई एम प्लॉटिंग दीज डायमेंशन ऑन दिस फिगर। सो ये फिगर दे रखी होगी, ये डायमेंशंस भी दे रखी होंगी और मैं आपके लिए शो कर रहा हूँ ये डायमेंशंस कैसे कैसे दे रखी हैं। AC पूरी डायमेंशन दी हुई है हमारे को 18 सेंटीमीटर। AM आपको दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इट्स 14। देन AN यहाँ से यहाँ 6। BL इज दिस, BL 4 सेंटीमीटर। DM 12 सेंटीमीटर। EN 9 सेंटीमीटर। अब आप साइड्स काउंट कर ले, टोटल इस फिगर की साइड्स कितनी है, आउटर साइड्स यानी आउटर कवरिंग वाली साइड्स, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड एंड फिफ्थ साइड, यानी पेंटागन है। आपको इस पेंटागन का एरिया निकालना, वो कैसे निकलेगा ये आप देख लेंगे। पेंटागन कितने कितने चीजों में बटा हुआ है। सो पहले इस ट्राइंगल में बटा हुआ है पेंटागन, ये पैरेलल हो, ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम वो फिगर होती है जिसकी दो साइड्स पैरेलल हो। इसकी ये दो साइड्स पैरेलल है ना, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम है, यानी ट्राइंगल, ट्रेपीजियम, ट्राइंगल एंड ये नीचे वाला पूरा ट्राइंगल। सो मेरे पास ये फिगर कितने चीजों में बटी हुई है, ये वाला ट्राइंगल प्लस ये वाला ट्रेपीजियम प्लस ये वाला ट्राइंगल प्लस नीचे वाला पूरा ट्राइंगल। तो मैं एरिया ऑफ पेंटागन AEDCB को लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AEN प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम EDMN प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC एरिया ऑफ ट्राइंगल DMC। देखिए फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल नीचे वाला है ABC। ट्राइंगल का फॉर्मूला आपका था आपको पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रेपीजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। डीएमसी का ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और ABC का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल्स का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्रेपीजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब हम AEN को देखें तो बेस है इस ट्राइंगल का AN, हाइट है EN, मैंने लिख दिया बेस की जगह AN, हाइट की जगह EN। फिर उसके बाद ट्रेपीजियम देखें, ये ट्रेपीजियम रहा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड है कौन सी, EN की पैरेलल साइड DM है, EN प्लस DM और हाइट, ये हाइट रही NM। फिर उसके बाद DMC का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस है MC और हाइट है DM। फिर उसके बाद ABC का पूरा बेस है AC, ये रहा AC एंड हाइट है BL। अब वैल्यू सही कर देते हैं, AN की वैल्यू सीधा 6 दी है, मैंने 6 लिख दिया। EN की वैल्यू सीधा 9 दी है, 9 लिख दिया। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड में EN की वैल्यू 9, DM की वैल्यू 12 और हाइट NM। NM कैसे निकला, यहां से लेके यहां तक 14 दिया हुआ, देखो यहां से लेके यहां तक 14 है, उसमें से इतना 6 है तो मतलब इतना क्या होगा 8। ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ 8, आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहां से लेके यहां तक AM 14 है, इतना हिस्सा 6 है, मतलब इतना हिस्सा विल बी 8, 14 माइनस 6 8, तो मेरे पास NM 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद आइए आप इधर MC भी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, आपको यहां पे बोला है AC पूरा 18 है, पूरा 18 है, यहां से लेके यहां तक 14 है, तो ये कितना होगा 4, 18 पूरा है, इतना 14 है तो इतना 4 होगा, तो MC क्या हो गया मेरे पास 4 और DM सीधा क्या दिया हुआ 12। फिर उसके बाद आप AC पूरा 18 दिया, मैंने आप AC की जगह 18 लिख दिया और हाइट 4 दे रखी है। अब इसको सॉल्व करा, सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया 181 सेंटीमीटर स्क्वेयर। एरिया है तो एरिया की यूनिट स्क्वेयर यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्यूब होती है, पेरीमीटर की सेंटीमीटर होती है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म।